स्वागत है आपका ऐसे वीडियो और ऐसे प्रोग्राम में जिसमें आपको जानकारियों का भंडारा मिलता है, और ये है ईरान के ऊपर पार्ट टू। इससे पहले मैंने आपको ये पार्ट वन बताया था, दिखाया था, नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिएगा। अब इसी वीडियो का पार्ट टू ये है जिसको आप देखना शुरू कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो आपके सामने आती रहे और आप घर बैठे, ऑफिस में बैठे, दफ्तर कहीं भी रहें और आपकी जानकारी बढ़ती रहे। दोस्तों, ईरान के बारे में बहुत कुछ पहले बता चुका हूं और इतना कुछ था कि पार्ट टू लाना पड़ा। अब ईरान के बारे में समझ लीजिए। ईरान के पास मिडिल ईस्ट की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, सबसे ज्यादा मजबूत है। इतना ही नहीं, 5,34,000 उसकी एक्टिव मिलिट्री है और 4,00,000 रिजर्व में है। एक कॉल पर ही 4,00,000 और आ जाएंगे। और कहा यह जाता है ईरान के बारे में कि ईरान छुपा रुस्तम है, कहां कहां से कौन कौन हथियार लेके सेना में शामिल हो जाए नहीं पता। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं कि ईरान को रॉकेट का बादशाह कहा जाता है, मिसाइलों का बादशाह कहा जाता है। पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से और सबसे जल्दी और सबसे ख़तरनाक मिसाइल बनाने वाला ईरान बन चुका है। इस बात को अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल भी मानते हैं। ईरान की करेंसी रियाल है, जिसका बहुत बुरा हाल है। वाह, ये तो राइम कर गया। अब सुनिए, ईरान की करेंसी इतनी कमज़ोर है कि भारत का एक रुपया ईरान का 513 रियाल है, यानी भारत का एक रुपया वहां का 500। वही दोस्तों, आप पायरी उम्मीदवार को नहीं जानते तो जान लीजिए और देख लीजिए इनको। आज ये ईबे के फाउंडर हैं, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ईरानी हैं जिनके पास अमेरिका की नेशनलिटी है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है ईबे, समझ रहे हैं आप? ईबे कभी तो सुना होगा, समझ रहे हो? नहीं बे, अरे नहीं 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 बे मतलब ने ईबे, हाँ ईबे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पोलो गेम आपने देखा है, सुना है? नहीं सुना तो ये पोलो गेम है। पोलो गेम के बारे में कहा जाता है पूरी दुनिया में सबसे पहले पर्शियन एम्पायर में ही खेला गया था, इसी ईरान में खेला गया था। अब ईरान के लिए एक ख़तरनाक जानकारी है ईरान के बारे में। ईरान में भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं और ऐसे भूकंप आते हैं कि बस्तियां पूरी तरह से उजड़ जाती हैं। वहीं कभी आप ईरान कभी जाएं तो ये बात याद रखिएगा, ईरान में वीज़ा और मास्टर कार्ड नहीं चलता है। ईरान के बारे में एक और जानकारी बेहद अहम है कि ईरान में पानी की कमी है, पानी की बहुत किल्लत होती है, इसीलिए पानी के लिए वहाँ बहुत मारामारी है। हालांकि पेट्रोल और तेल पानी से भी सस्ता है, ये कहा जाता है। वहाँ पेट्रोल और डीजल इतना सस्ता है कि हर आदमी कार लेकर पूरे सड़कों पर पूरा दिन दंदनाता रहे तब भी उसकी जेब पर फर्क न पड़े। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी कुछ इस तरह से बताऊं, ईरान का जब वो रेजा शाह जब वहाँ का बादशाह था, तब उस बादशाह की बहुत गहरी दोस्ती अमेरिका से थी, बहुत दोनों दोस्त थे। याद रखिएगा, अमेरिका और ईरान एक वक्त दोस्त थे, लेकिन जब इमाम खुमैनी की वहाँ क्रांति आई तो उसके बाद सब कुछ बिगड़ गया। और ऐसा बिगड़ा कि उस वक्त जब इराक ने ईरान पर हमला किया तो इराक का साथ अमेरिका ने दिया, और सिर्फ इमाम खुमैनी की खिलाफत में अमेरिका ने सभी देशों को कह दिया कि कोई भी हथियार ईरान को न दे। जिसके बाद वो दिन है और आज का दिन अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान का है। लेकिन एक बात जान लीजिए, आज ईरान बहुत ज़्यादा एडवांस है, पढ़ा लिखा है। बता चुका हूँ ना पिछली रिपोर्ट में, 93% वहाँ लोग पढ़े लिखे हैं। अब यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में 65% महिलाएँ ही महिलाएँ हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये मुद्दा यहाँ भारत और पाकिस्तान में भी बड़ा ट्रेंड कर रहा है, सेम मैरिज, गे वाला फंडा, लेस्बियन वाला और गे वाला, सेम मैरिज वहाँ पर बैन है। लेकिन 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 आप वहाँ जेंडर चेंज करवा सकते हैं। अगर आप जेंडर चेंज करवाना चाहेंगे तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी और आपका खर्चा भी उठाएगी। तमाम अंधभक्तों से कहना चाहूँगा, जो दिल में लचक है तुम्हारे नफरत की, ईरान पहुँचो, जेंडर चेंज करवाओ और किसी के साथ सही से ज़िंदगी प्यार से गुजारो।
दोस्तों पूरे अरब में आप कहीं जाएंगे तो वहां पर प्रोटेक्शन पूरी तरह से बैन है, यानी कॉन्डम और पिल्स पूरी तरह से बैन है, अलाउ नहीं है। लेकिन ये सिर्फ वाहिद उस इलाके में ईरान है जहां कॉन्डम और पिल्स आम बात है। वहीं दोस्तों ये भी जानकारी दे दूं कि पूरे अरब देशों में कॉन्डम और पिल्स कहीं नहीं बनते, फैक्ट्री भी नहीं है, लेकिन ईरान इसको बनाने के लिए पूरी तरह से परमिशन देता है। बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़ी बड़ी वहां फैक्ट्रीज हैं। सन 2012 का वो वक्त था जब ईरान ने गूगल पर इल्ज़ाम लगाया कि ईरानी जब भी गूगल इस्तेमाल करते हैं तो गूगल उनकी जासूसी करता है, जिसके बाद गूगल से दूर होने की ईरान ने कोशिश करी। और आज भी ईरान चाइना की तरह कोशिश कर रहा है कि वो अपना इंटरनेट बनाए। दूसरी बात, ईरान में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन हैं, जैसे ऑफिशियली वहाँ व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, एप्पल स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, स्काइप, इसके अलावा दर्जनों। अब आप कहेंगे नहीं रजा भाई, हम तो इस्तेमाल करते हैं, हम तो ईरान में रहते हैं। तो बाबूजी आप गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करते हो VPN लगाकर। इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद पूरी दुनिया में ईरानी लोग 24वें नंबर पर हैं इंटरनेट यूज करने में, दबाकर यूज करते हैं भाई इंटरनेट। वहां लोगों के पास आईफोन आराम से मिलते हैं क्योंकि वहां पर किडनी बेचना ऑफिशियल है, अलाउ है, परमिटेड है भाई। आप किडनी विडनी बेच सकते हो। अरे यार बात हकीकत है, वहां आम बात है, आप किडनी बेच सकते हो और उसका पैसा भी आपको मिलता है। बाकी वह एप्पल वाली बात मैंने अपने मन से बोल दी, दिल पर मत लेना। अमेरिका, इजराइल समेत यूरोप की बड़ी बड़ी फिल्में पूरी तरह से ईरान में बैन हैं, लेकिन आप जानते हैं ईरान के लोग बड़े चालाक होते हैं, आड़े टेढ़े रास्ते से वो देख ही लेते हैं। जानकारी एक और बड़ी अजीब सी है, ईरान में टाई, जी हाँ टाई जो होती है, नॉर्मल जो टाई होती है, वो बैन है। वहाँ लड़कियों की शादी की उम्र 13 और लड़कों की शादी की उम्र 15 साल है। वहाँ पर भी आप जानते हैं कानून थोड़ा इस्लामिक है, तो वहाँ भी अलाउ है, आप 4 शादी कर सकते हैं। हालांकि आज के वक्त में मैं नहीं देखता हूँ ईरान में कोई 4 बीवियों वाला मिले, बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पूरी दुनिया में ईरान एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा मौत की सज़ा सुनाई जाती है। ईरान की महिलाओं को अगर बाहर काम करना होता है तो अपने पति से परमिशन लेनी होती है, बिना पति के परमिशन के वो बाहर काम नहीं कर सकती। आप कभी ईरान घूमने जाएं तो गलती से टशनबाजी में जो यहाँ से जो आप शॉर्ट्स लेके जाएं तो वहाँ शॉर्ट पहन मत लीजिएगा, और शॉर्ट अगर पहन भी लिए तो अपने कमरे के अंदर रहिएगा, क्योंकि अगर ईरान में बाहर सड़कों पर शॉर्ट पहन के निकले तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे। जी हाँ, झटका मत खाइए, ईरान में शॉर्ट पहनना मर्दों के लिए बैन है। वैसे तो ईरान में बियर बैन है, लेकिन ईरान में बहुत बियर पी जाती है और ब्लैक मार्केटिंग इसकी दबा कर होती है। वहाँ ईरान में डिश टीवी का कोई सिस्टम नहीं है, सैटेलाइट टीवी पूरी तरह से बैन है। वहीं आपको बता दूं, अगर आप घूमना फिरना चाहते हैं, सिर्फ घूमना आप चाहते हैं किसी सस्ते देश में, तो आप अगर इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, आप वहाँ जाइए, क्योंकि आपका रुपया, आपका पैसा बहुत मजबूत है। ईरान बड़े आराम से घूम सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। घूमने फिरने की जगह वहाँ बहुत खूबसूरत खूबसूरत है और टूरिस्ट प्लेस बहुत बढ़िया है, घूमिए फिरिए, आपका मोटा खर्चा भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि वहाँ खूबसूरत किसी लड़की को देख के प्यार में उसके बढ़ के आप सोचें इससे शादी कर लूँ और यहीं बस जाऊँ मैं, तो ना बाबा ना, सुन लीजिए, चाहे शादी कर लीजिए, चाहे वहाँ मर जाइए, चाहे बच्चा पैदा करके उसकी भी शादी कर दीजिए, ईरान आपको जूता मारेगा लेकिन नेशनलिटी नहीं देगा। ईरान किसी को भी नेशनलिटी नहीं देता है। हाँ, अगर आपने वहाँ जाकर किसी लड़की से शादी कर ली तो आपको 1 साल का अकामा बोलते हैं ईरान के लैंग्वेज में, एक्सटेंशन मिल जाएगा, आप 1 साल तक रह सकते हो, फिर आपको वो दोबारा बढ़वाना पड़ेगा, ज़िंदगी भर इसी तरह से विदेशियों की तरह रहना पड़ेगा और आपकी इज्जत वहाँ ज़्यादा कुछ खास होगी नहीं, समझ रहे हैं आप। बाहर के लोगों को बहुत हिकारत से ईरानी देखते हैं, हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के, गैरों को वो गैर मानते हैं और ईरानियों को सबसे ऊपर रखते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, जुम्मा जुम्मा 4 दिन घूमने जाएं उतना ही ईरान आपके लिए अच्छा है,
वरना आपके लिए सिरदर्दी है। आपने वहाँ की महिला से शादी कर ली तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ की नेशनलिटी मिल जाएगी। ईरान में 20-25 साल से रहने वाले भारत के ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ, जो बहुत सारे वहाँ मर भी गए, जिन्होंने अपना बच्चा वहाँ पैदा किया, बच्चा पालकर बड़ा कर दिया और बच्चे की भी शादी कर दी, लेकिन नेशनलिटी। तो बाबूजी बस ये थी ईरान की जानकारी। कैसी लगी आपको नीचे कमेंट कीजिएगा। कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लग रहा है और अगला देश कौन सा होना चाहिए। कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।